सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक और न्यू प्रॉब्लम के बारे में। जैसे आप लोग अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हो तो गाइस आप लोग के सामने कुछ इस टाइप से इरर, कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम आ रहा है जो कि आप लोग भी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बोले तो यार आपका जो व्हाट्सएप वो बैन हो चुका है, ठीक है, इसलिए गाइस आपके सामने ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो अपने व्हाट्सएप को आप लोग अनबैन कैसे करा पाओगे ये मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले जितने भी बंदे चैनल पर नए पहली बार हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो चुका है और आप इसको ठीक करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे, चलो आपको ए टू जेड अच्छे से बता देता हूँ। तो गाइस आपको करना कुछ नहीं है, आप लोग को बस गाइस यहाँ पे आप लोग का जो व्हाट्सअप है ना उसको देखना कि आपको कौन सा व्हाट्सअप है। ठीक है, अगर आप लोग पहले व्हाट्सअप बिजनेस को यूज करते थे उसमें आपका आई डी बैन हुआ है, या फिर नॉर्मल जो व्हाट्सअप उसमें आपका आई डी बैन हुआ है, तो आप लोग पहले देखना कि किसमें आपका आई डी बैन हुआ है। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल जो व्हाट्सएप होता है उसमें आई डी बैन हुआ है तो उसको अनइंस्टॉल करना, फिर से उसको इंस्टॉल करना। ठीक है, फिर से इंस्टॉल करने के बाद जैसे इसको ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बस आपको यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन मिला है इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप ऑप्शन आ जाएगा। मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं डालना है। आपको करना है क्या कि आपको थ्री बिंदु जो ऊपर में दिख रहा है ना, ठीक है, थ्री बिंदु पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो हेल्प का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस टाइप ऑप्शन आ जाएगा जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को यहाँ पे गाइस आप लोग मिलेगा दिस कुछ आंसर, कुछ माई क्वेश्चन कुछ स्टेप्स मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ स्टेप्स ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद गाइस आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को यहाँ पे मिलेगा विजिट और हेल्प सेंटर जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और आने के बाद गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे से आना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अकाउंट एंड बैन, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ स्टेप्स ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे अकाउंट बैलेंस पर क्लिक कर देना है। अकाउंट बैलेंस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ स्टेप्स ऑप्शन आ जाएगा और आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सारा चीज़ बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपको कोई क्या करना है कि आप लोग को यहाँ पे अबाउट अकाउंट बैन का जो ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सब लोग को यहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है उस पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे अबाउट अकाउंट बैन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कैसे काफ़ी सारा ऑप्शन मिलेगा, आपको नीचे के साइड आ जाना है। नीचे के साइड आने के बाद गए सब लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट अस का जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे कैसे आपको बोलेगा कि आप लोग को आप किस में यूज करते थे। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेंजर या फिर व्हाट्सअप बिजनेस या फिर व्हाट्सअप जो भी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे व्हाट्सअप में यूज करता था, नॉर्मल जो व्हाट्सअप था उसमें यूज करता था। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ स्टेप्स ऑप्शन आ जाएगा जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पे कैसे आप लोग को सब कुछ डालना है। ठीक है, आप सब कुछ का मतलब क्या डालना है, आप लोग को अपना जो मोबाइल नंबर है सबको यहाँ मोबाइल नंबर का जो फर्स्ट का वो होता है जहाँ से भी वो डाल देना है, उसे आपको जो मोबाइल नंबर है वो डालना है। मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना है, देन आपका फिर से कन्फर्म ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपको मोबाइल सेलेक्ट करना है कि कौन सा मोबाइल था आपके पास। ठीक है, उसके आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि आप लोगों ने क्या गलती किया था जिसके कारण से आपका ये बैन हुआ, आप लोगों ने कोई गलती नहीं किया था वो भी आप लोग को यहाँ पे लिखना है। मतलब इसलिए लिख देना कि मेरा कुछ ऐसे करके टेम्पोरी बैन हो गया, प्लीज़ इसको अनबैन करके कुछ आप लोग कर दिए। ठीक है, ये सब भरने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा। तो मैंने फिल करने के लिए पहले बोला जा रहा है, तो मैं पहले फिल करता हूँ, उसके बाद कैसे आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई भी एक नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नंबर फिल कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे गाइस ईमेल आईडी की जगह मैं कोई भी ईमेल आईडी में डाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, राजा मेरा ही है। ठीक है, राजा कुमार शाह, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और जिस टाइप से मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ आपको भी सेम इसी टाइप से भर लेना है, देन आपका भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया हूँ और ये कॉपी होगा भाई, कॉपी हो जा। ठीक है, तो कॉपी हो गया, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एंड इसको भी यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड इन राइट में था और यहाँ पे लिख लेना है गाइस आप लोग को जो भी अच्छा लगे। ठीक है, आप लोग लिख लेना, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख करके लिख लेना। ठीक है, इस टाइप से आप लोग लिखोगे तो आपका 100% यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब लिखना है, यहाँ पे लिख देना हाय माई आई डी। ठीक है, बी एन। ठीक है, कुछ इस टाइप से कैसे आप लोग लिख देना,
देन जो भी आप लोग लिखोगे आप लोग अच्छे से लिख देना, मैं आपको अभी लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको जो भी लिखूंगा ना तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, बस आप लोगों को मैं बता देता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखना है, इसका नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद देखो आपके सामने कुछ स्टेप आपको ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आएगा सेंड क्वेश्चन का ऑप्शन, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। बस भाई आपको कुछ नहीं करना है, सेंड क्वेश्चन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो चले जाएगा व्हाट्सअप वालों के पास और वो वहाँ से आपका आईडी को फिर से यहाँ पर रिव्यू करेगा और आपने कोई भी गलती कोई भी मतलब कुछ नहीं किया होगा, ठीक है, तो आपका आईडी 100% यहाँ पे अनबैन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई गलती किया होगा तो भाई आपका आईडी अनबैन नहीं होगा, मैं आपको पहले ही कर देता हूँ क्लियर, जो कि आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हो, ठीक है। तो भाई जितना भी कुछ था सब कुछ वीडियो अंदर आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब भी कर देना। जो गाइस आज की इस वीडियो अंदर मिले और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।